सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ में आप सभी लोग अच्छा कर रहे होंगे। और आप लोग आज देख रहे होंगे कि मेरे पीछे आज बेचारी बिल्लो रानी, इसकी हालत थोड़ी बुरी हो गई है, आज थोड़ी सी बीमार हो गई है बेचारी, ऐसे बोल सकते हैं। तो बीमारी ये है कि एक्चुअली इसके फ्यूल टैंक में चले गया है पानी, तो ये कर रही है बहुत ही ज़्यादा मिसिंग। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वैसे तो आप में से सभी, ऑलमोस्ट सभी लोगों को ये मालूम होगा कि ये कौन सी ट्रिक है और ये कैसे काम करती है, ठीक है। पर फिर भी मेरा वैसे मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो बना दी जाए, और बहुत दिन हो गए थे चैनल पे कुछ अपलोड किए हुए, तो एक वीडियो बना दी जाए और आप लोगों को बता भी दूँ कैसे है, जिन लोगों को नहीं मालूम है। क्योंकि अब कोई होते हैं मेरे भाई जिन्होंने नई नई बाइक्स ली होती है, तो उनको समझ नहीं लगता कि बाइक मिसिंग कैसे कर रही है ना, तो उनके लिए स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ ये वीडियो मैं। तो स्पेशली जो लोग बजाज पल्सर जिनके पास है भाई, तो उन लोगों को तो मालूम ही होगा कि इसमें अगर थोड़ी सी भी बारिश हो तो इसके जो ये फ्यूल टैंक है यहाँ में यहाँ अंदर पानी चले जाता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करें, मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो नोज़ल है यहाँ पे, सो गाइज अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैंने बाइक का जो फ्यूल टैंक है उसका ढक्कन खोल के रख दिया हुआ है। फ्यूल का ढक्कन जो है मैंने इसलिए खोल के रख दिया क्योंकि मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। क्योंकि धूप थी तो मैंने जल्दी जल्दी धूप का फ़ायदा उठाना ही बेहतर समझा। उसके बाद टाइम मिल गया मुझे तो फिर मैं वीडियो बनाने लग गया। फिर आप लोगों को मैंने सोचा क्यों ना, मेरे भाई काफ़ी परेशान होते हैं जो बेचारे नई नई बाइक लेते हैं, तो उन्हें समझ नहीं लगता कि बाइक मिसिंग किस वजह से कर रही है। तो बाइक की मिसिंग करने की वजह यही होती है, आजकल बरसातों में पानी चले जाता है भाई। जिन लोगों के पास पल्सर है उन लोगों को तो मालूम ही होगा कि यार ना, जब बजाज की पल्सर जो बाइक है, मतलब ये देखो ये बंद ऐसे बंद होगा, पर ये जो साइड में जो एजेस है यहाँ से पानी अंदर चले जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो नोज़ल है, ये यहाँ जो नोज़ल है इसे यहाँ से सबसे पहले आप ऐसे ऑफ़ करोगे, ठीक है, ताकि आपका फ्यूल वेस्ट ना हो। उसके बाद आप लोगों ने ये जो यहाँ पर पाइप लगी होती है, ये पाइप ऐसे खोल देनी है। और आप ऐसी ऐसी बॉटल्स ले सकते हो या कैन ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों को सब ऐसी ऐसी एक पाइप भी चाहिए होगी, ठीक है। ये पाइप आपको तो चाहिए क्योंकि आप इसे यहाँ कुछ इस तरह कनेक्ट करोगे, कुछ इस तरह से कनेक्ट करोगे और बोतल में रखोगे। क्योंकि अगर आप ऐसे हाथ से पकड़ के रखोगे तो एक तो आपके हाथ थक जाएंगे, और अगर आप सोचोगे कि नीचे रख के मैं वो कर दूँ तो आधा फ्यूल तो ऐसे ही उड़ जाएगा, और फिर आपका फ्यूल फिर भी वेस्ट होगा ही होगा, मतलब ना। तो सबसे पहले तो आपको एक ऐसी ऐसी पाइप लेना ज़रूरी है। अगर आपके पास नहीं भी है तो आप वहाँ से पकड़ के निकाल सकते हैं, पर यह है कि उसमें ज़्यादा थक जाओगे। तो ये है कि अगर बेटर है, अगर आपके पास ये पाइप है तो वेल एंड गुड, तो आप उसे वहाँ कनेक्ट करके यहाँ पाइप डाल सकते हैं, और फिर सारा फ्यूल बाहर निकालो, जितना भी फ्यूल है आपके टैंक में सारा बाहर निकालो। फिर फ्यूल निकलने के बाद क्या होगा, कुछ इस तरह से फ्यूल बाहर निकल आएगा, ठीक है। ये देखो ये जो पानी है, पानी जो है वो नीचे बैठ जाएगा, और आप लोगों को तो मालूम ही है कि पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो पेट्रोल जो है वो पानी के ऊपर तैरता रह जाएगा, और मतलब एक दिन पूरा, एक पूरा दिन बोतल को बिना हिलाए आप ऐसे रख दो, बिल्कुल स्टेबल करके रख दो, ठीक है। तो पानी जो है वो नीचे बैठ जाएगा और पेट्रोल जो है ऊपर आ जाएगा, और बाद में आप ये पेट्रोल बिना हिलाए किसी दूसरी बोतल में बदल लो, और फिर सिर्फ पेट्रोल जो है वो दूसरी बोतल में आएगा, और पानी जो है वो आप थ्रो कर सकते हो, उसे आप फेंक दोगे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे कि मैंने ये खुला रहने दिया है, ठीक है, तो इसे आप खुला रहने दो, और इस नोज़ल को भी यहाँ से ऑन ही रखो ताकि थोड़ा बहुत जो पानी होगा वो भी निकल जाए, और इस टैंक के अंदर जो थोड़ा बहुत पानी रह गया होगा वो हवा बन के मतलब उड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका फ्यूल जो है, आपका जो ये फ्यूल टैंक होगा वो बिल्कुल ही ओके हो जाएगा, और धूप की वजह सूख जाएगा। फिर आप बाद में वही यही पेट्रोल एक दो दिन के बाद फिर यूज़ कर सकते हैं आप। ये पेट्रोल आपको फेंकना नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी, आप ये पेट्रोल फिर से यूज़ कर सकते हैं एक दो दिन के बाद। इसमें आप फिर से इसमें डाल सकते हैं बाइक के फ्यूल टैंक में, आप यही पेट्रोल द्वारा यूज़ कर सकते हैं, फिर आपकी बाइक मिसिंग बिल्कुल भी नहीं करेगी। पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे अब मेन आते हैं इस पाइप पे, ये पाइप क्यों ज़रूरी है। अब जैसे कि मेरी बाइक तो है BS4 से भी पहले ली थी मैंने, ठीक है,
तो इसमें क्या था कि ये जो है ना फ्यूल का सिस्टम जो था ऑटोमेटिक नहीं था। और आप लोगों ने अभी देखा होगा कि सेफ्टी फीचर्स की वजह से जो फ्यूल का ये होता है जहाँ से आप फ्यूल इंजन के लिए भेजते हैं इस नोजल से, तो ये नोजल जो है वो ऑटोमेटिक कर दी हुई है आप कंपनी वालों ने ताकि सेफ्टी पर्पस से, ताकि कोई आपका फ्यूल चोरी ना कर सके या जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ये पाइप लेनी है यहाँ पे और इसे आपने इस फ्यूल टैंक में डाल देना है, ठीक है। और दूसरा जो कोना होगा पाइप का वो आप उसमें बोतल में रखोगे, ठीक है। और बोतल में रखने के बाद आप बोतल का मुंह ऊपर से हल्का सा बंद करोगे और ये पाइप अंदर ही रहने दोगे, और उसके बाद आप बोतल का मुंह ऊपर से बंद करके नीचे से ऐसे दबाओगे, वैक्यूम बनाओगे, मतलब फिर वैक्यूम प्रेशर जो बनेगा वो पेट्रोल को खींच लेगा, और उसके बाद आपने ऊपर से भी छोड़ देना और वो पेट्रोल भरता रहेगा। तो आप इस तरह से कुछ कर सकते हैं, जिन बाइकों में ये नोजल नहीं आती है तो उन बाइकों में आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो भाई उसको ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई किन किन भाइयों ने ऐसा पहले किया है, और जिन लोगों ने नहीं किया किन लोगों को ये लगा कि भाई ये एक मस्त ट्रिक है पेट्रोल निकालने की। और ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, एक छोटी सी वीडियो बनाने की सोची थी और ये तो बहुत ही लंबी वीडियो बन चुकी है। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो भाई चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, वीडियो को जरूर से लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि भाई आप लोग अभी कौन सी बाइक चला रहे हैं। थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।